दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का जो प्रोसेस है, 15 अप्रैल का जो 15 अप्रैल का जो राउंड चल रहा था, उसमें जिन जिन की कुंडली सिलेक्ट हुई है उन लोगों की आज मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा डिले हो गया है आज इस बार फिर से, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अभी जिनकी सिलेक्शन हो गई उनकी मैं आज वीडियो में रीडिंग करने की कोशिश करूँगा। साथ में ये बोलूँगा जी, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का हमारा प्रोसेस चलता रहता है, 15 दिन का राउंड होता है, जिसमें जिनकी सिलेक्शन होती है उनकी मैं रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट्सएप पे अगर आपको भी अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे हाई लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है जो कि चार्जेबल है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज सकते हैं और मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, उसको फॉलोअप कर लीजिएगा और बता दीजिएगा आपको पर्सनल रीडिंग करानी है। मैं फिर से बोलूँगा जी कि फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग सिलेक्टेड कुंडली की होती है, सबकी नहीं होती है। 15 दिन का राउंड होता है, 2 सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हुई तो 2 सवालों के जवाब दिए जाते हैं और साथ में इसका वीडियो बनता है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं दी जाती है, यूट्यूब में ये शेयर किया जाता है और व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई लिख के भेजिएगा। कॉल प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कॉलिंग पे ये रीडिंग नहीं दी जाती है। बहरहाल आज की जो रीडिंग है उसके लिए शुरू करते हैं। 15 अप्रैल की जिनकी पहली कुंडली है उनकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। पहली जो कुंडली है वो श्रुति जी की है। श्रुति जी, आपकी कुंडली में आपने 2 सवाल पूछे हैं, वो 2 सवाल ये हैं कि आपका करियर और हाउस चेंज के रिलेटेड आपने 1 सवाल पूछा, चेंज ऑफ रेजिडेंस, क्या कोई चांस बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। श्रुति जी, पहले करियर के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आपकी इंसान की ज़िंदगी में दो तरीके से हम करियर को देखते हैं, एक 10वें घर से और एक 7वें घर से। 10वें घर से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये वर्किंग हाउस होता है और 7वां घर इसलिए देखते हैं क्योंकि इसे हम बिजनेस, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड चीज़ों को इससे डोनेट करते हैं, इसलिए इसे देखते हैं। तो जब हम 7वां और 10वां घर देख रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं जी कि यहाँ पे आपकी कुंडली में यहाँ पे प्लैनेट्स ने अपना राशि परिवर्तन हुआ है। प्लैनेट ने अपना अपना घर चेंज किया, एक्सचेंज किया है। मतलब जो सूर्य की राशि आपकी कुंभ लगन की राशि, कुंभ लगन की कुंडली है, जिसमें आपके मंगल 10वें घर का ओनर होके 7वें घर में बैठा है और सूर्य 7वें घर का ओनर होके 10वें घर में बैठा है, बुध के साथ बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपने करियर रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि शायद आप अपने फादर का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करें। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकें। अगर ऐसा नहीं है तो ये आप मास मीडिया, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर लाइक डॉक्टर, सर्जन, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इंजीनियरिंग में आप अच्छा रहेंगी, कम्युनिकेशन मास मीडिया में आप अच्छा रहेंगी। इन करियर्स में अगर आप हैं तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बहरहाल इसके बाद पॉइंट ये होता है जी कि यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज करा है मंगल और सूर्य ने घर, तो यहाँ पे ये भी चांसेस हैं जी कि आप फ्यूचर में जाके या अभी जाके जब आपकी एज हो गई है तो हो सकता है जी कि आप ये चाहें जी कि मैं अपने जॉब के साथ बिजनेस भी करूं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बनते हैं जी कि आप अपने वर्क के थ्रू अपने बिजनेस को भी ग्रोथ दे सको, अपने बिजनेस के थ्रू आप वर्क कर सकें। तो आप इंडिपेंडेंट कुछ भी काम कर सकती हैं, जैसे सर्जन, जैसे मेडिकल लाइन हो सकता है, नर्सिंग, फार्मेसी कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड काम, मास मीडिया से रिलेटेड काम हो सकता है, या आप कुछ भी कर सकती हैं लाइक इंजीनियरिंग साइड से भी आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकती हैं, या कुछ भी अप्लाइंस, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के भी बिजनेस कर सकते हैं या वहाँ काम कर सकते हैं, फिर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग और इन सब चीज़ों में आपका अच्छा है। तो अगर आप अपना करियर इस फील्ड में ढूंढ रही हैं तो अच्छा रहेगा, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में मून की अंतरदशा चल रही है, तो यहाँ पे राहु सपोर्ट ज़रूर करेगा आपको। लगन का मालिक है, 6ठे घर में बैठा है, डिस्प्यूट देके सपोर्ट करेगा। डिस्प्यूट देके मतलब पहले ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद आपको उसमें जीत मिलेगी और आप आगे फॉरवर्ड करेंगी काम में। अब श्रुति जी, आपने दूसरा सवाल पूछा कि हाउस चेंज का चांसेस क्या बनता है।
घर का चेंजेस का राहु का अभी जो महादशा चल रहा है इसमें आप कभी भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगन से छठे में बैठा है। लगन का मतलब राहु कुंभ लगन का मालिक भी माना जाता है, सेमी मालिक माना जाता है, एक्चुअली तो शनिदेव को माना जाता है। तो शनिदेव यहाँ पे आठवें घर में बैठे हैं, तो आठवें घर में शनिदेव के बैठने के कारण और राहू की महादशा और मून की अंतरदशा चलने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रगल होगा लाइफ में, मेहनत बहुत होगी लेकिन सक्सेस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, राहु की महादशा में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और चंद्रमा की अंतरदशा, जो चंद्रमा शुक्र के साथ 11वें घर में बैठा है, तो पैसे की आपको कमी नहीं होगी, आपको यहाँ पे चंद्रमा जरूर आपको घर बनाने की कोशिश करेगा। अगर देखा जाए तो एक्चुअल समय अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये कब होगा, तो वो आपका 19 से 22 के बीच में था, उसके बाद अब थोड़ा सा चांसेस हैं कि बन जाए। 19 से 22 के बीच में ज़्यादा अच्छे चांसेस थे घर बनाने के, लेकिन अगर घर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना बर्थ प्लेस से दूर अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एक ही चीज़ की बात बोलूँगा कि लोन लाइबिलिटी लेने से पहले सोच समझ के लीजिएगा, अगर घर चेंज करें और लोन लाइबिलिटी लेके चेंज कर रहे हैं तो उसको लेके थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। मैं अगर होता तो मैं शायद नहीं लेता, अपनी मेहनत से जो पैसा आ रहा हो उसी से मैं घर चेंज करता या काम कर रहा होता। बहरहाल आपके दो सवालों के जवाब मैंने दिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल के जवाब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कुंडली में जो मैंने नहीं बताया। कई चार्टों में आजकल हम लोग मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कालसर्प दोष को इग्नोर करते हैं, और कालसर्प दोष को हम मल्टीपल टास्क को देख के फिर मानते हैं। आपकी कुंडली में जितना मुझे दिखाई दे रहा है मैं इसको कालसर्प दोष से अफेक्टेड कुंडली मानूंगा। तो जो भी मैंने आपको जो बोला, जो भी मैंने आपको रिजल्ट बोले, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आएगी, जिस वार कारणवश आपको सेटिस्फेक्शन मिलने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। मैं आपको इतना ही बोलूँगा जी कि राहु के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, केतु के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और सूर्य के लिए आपको अपनी आत्मा के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और जब जब जो जो अंतरदशा में जो प्लैनेट है उस वक्त पर उस प्लैनेट के लिए कुछ कुछ उपाय आपको करते रहने पड़ेंगे। जैसे अभी चंद्रमा का अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे, महादशा अंतरदशा के हिसाब से आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे। आप शिव जी की पूजा करिए, सूर्य नमस्कार करिए, डॉग फीड करिए, और कुछ भी काली चीज शनिवार या मंगलवार को डोनेट करने की कोशिश करिए। अगर कुछ हो सकता है तो वो करिए, और मंदिर में करें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो काल सब दोष की अगर कुंडली अफेक्टेड हो जाए, जितना मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक ये कुंडली अफेक्टेड है। मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ये माना नहीं जाता, लेकिन मैं मान रहा हूँ जी कि अफेक्टेड है। तो इस अफेक्टेड कुंडली के लिए मैं आपको यही बोलूँगा जी कि अगर आपको फुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ उपाय करने पड़ेंगे। दूसरा, लग्नेश भी आठवें घर में जाके बैठ गया है शनि, तो आठवें घर में शनि इंसान की आयु बढ़ाता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत क्रिएट कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ श्रुति जी आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप उसको फॉलोअप करेंगी। धन्यवाद। अगली कुंडली में चलते हैं। जो अगली कुंडली है वो सरोजीत की है। आपका जो लास्ट मोबाइल नंबर है, लास्ट डिजिट जो है मोबाइल का है 489 है। आपने मुझसे सवाल पूछा है के जॉब या बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा सवाल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जॉब और बिजनेस के रिगार्डिंग मैं आपको ये बोलूँगा जी कि आपको जॉब करना बेहतर होगा, अगर आप काम करते हैं वर्क करते हैं तो बेहतर होगा, जॉब नहीं काम करते हैं तो आप बेहतर होगा, मतलब वर्क करते हैं तो बेहतर होगा कंपैरेटिवली अगर आप बिजनेस करने जाए तो। अगर आप बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस अपनी वाइफ के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस अच्छे मिलेंगे उनके नाम पर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो। अब बात कर लेते जी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका लियो लगन है, लियो लगन का मालिक सूर्य होता है, और सूर्य खुद 12वें स्थान में जाके बैठ गया है, और वहाँ पे चार प्लैनेट बैठे हैं। अगर चार प्लैनेट 12वें स्थान में बैठे हैं, मंगल सूर्य बुध और चंद्रमा, तो ये ज़रूर डिनोट ये करता है कि आपकी लाइफ में आप बाहर से अच्छा पैसा कमाएंगे, आपकी ग्रोथ आपका भाग्य बाहर जाके अच्छा चमकेगा। आपके पिता के थ्रू अगर आप गए होते तो बहुत अच्छा रहता, या तो नहीं तो अपने भाग्य से आप ज़रूर बाहर जाएंगे, बाहर अगर आप सेटल होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अपने बर्थ प्लेस से दूर कह रहा हूँ। साथ में एक और चीज़ है, चंद्रमा भी चौथे अपने ही 12वें स्थान में जाके बैठ गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा शरीर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी बाहर जाने को डिनोट जरूर करता है। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर आपको बोलूँगा। अब बात कर लेते हैं वर्क। वर्क अगर आप करते हैं तो शुक्र की
कोई भी चीज़ें होती हैं, डिनोट होती हैं, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। शुक्र है कि कुछ भी लग्जरी प्रोडक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या जैसे लग्जरी कार डीलिंग हो गई, या ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, एक्टिंग हो गई, ऐसी चीज़ों में अगर आप काम करते हैं, या आप म्यूज़िक हो गया, इन सब चीज़ों में जो भी एक चीज़ में जो एक लग्जरी और एक प्लीजिंग चीज़ें होती हैं जो पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं, अगर ऐसी चीज़ों में आप काम करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगी। बहरहाल अभी आपकी दशा जो चल रही है वो केतु की और राहु की चल रही है। तो आपने मुझसे पूछा था दूसरा सवाल जी कि क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, कब मिलेगी। देखिए अभी 27 तक तो आपकी केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा में आपको आपको अभी अपने आप को स्पिरिचुअल और काम रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी मेहनत करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जी केतु शनि के साथ बैठने के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं काम का पूरा फायदा मिलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप काम 100% करते तो शायद आपको 70% भी मिले तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता 30-40% के ऊपर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। जितना आप काम करते हो उसके कंपैरिजन में आपको बेनिफिट कम मिल रहा होगा। लेकिन आपको मैं ये बोलूँगा जी कि सिर्फ 27 तक का सब्र कर लीजिए। 27 के बाद जब आपकी शुक्र की महादशा लगेगी उस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन पलों का आपका एक्सपीरियंस होगा, उस वक्त आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी मैं ये बोलूँगा जी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, धर्म की तरफ जाइए, आप थोड़ा दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करें, चाहे खुद से खुद में कुछ ना कुछ अगर थोड़ा कुछ है और ऐसा है जी कि आपको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जितना है उसमें से भी कुछ दूसरों को मदद करने के लिए आप कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो दूसरे की मदद के लिए आप अपने आप को अभी के लिए फॉरवर्ड करिए, उसका फल आपको आगे मिलेगा। आपको यही बोलूँगा कि बर्थ प्लेस से दूर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या काम मिल रहा है तो आप करिए। वाइफ के साथ अगर आप जॉइंट बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लग्जरी प्रोडक्ट या कुछ भी हो उनके नाम पे बिजनेस करिए, आपको हो सकता है सक्सेस मिले। तीसरी बात ये बोलूँगा जी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी चार प्लैनेट जब बारहवें स्थान में बैठे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, वीकनेस, सोल की वीकनेस या शरीर में वीकनेस रह सकती है। और पांचवा पॉइंट, 27 तक आपको वेट करना पड़ेगा, धार्मिक कार्यों में इंडल्ज रहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम मिलेगी और वो प्रॉब्लम आपको वैसी ग्रोथ नहीं मिलेगी जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी अपना स्ट्रगलिंग पीरियड में आप मेहनत करते रहिए, आप ये मत सोचिए आपको क्या मिल रहा है, आप अपना मेहनत करते रहिए और जो सही है उसी पाथ पर चलते रहिए, उससे आपको फ्यूचर में ज़रूर फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 27 के बाद आप मेरे को दिखाई देती है। बहरहाल ये मेरी रीडिंग थी आपके बारे में, आई होप आपको पसंद आई हो। आखिरी जो कुंडली है वो स्वीटी जी की है। स्वीटी जी आपका जो मोबाइल नंबर है वो लास्ट में है 858, माफ़ कीजिएगा लाइट चली गई है इसलिए मुझे बाहर आके वीडियो बनाना पड़ रहा है। आपके दो सवाल थे कि शादी के रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। पहला पॉइंट तो ये बोल दूँ कि गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड थोड़ा जल्दी बोलूँगा इसमें क्योंकि बाहर हूँ मैं। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड में शादी के रिलेटेड पहला पॉइंट तो ये जी कि आपके सातवें घर में केतु बैठा हुआ है और अकेले बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि नहीं है इस घर पे, अगर गुरु की दृष्टि नहीं है और सातवें घर में केतु बैठा है तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैरिज में शादी में प्रॉब्लम होगी और शादी रहने की चांसेस कम रहते हैं, शादी में खुशियाँ मिलने के चांसेस कम रहते हैं, और ऊपर से शनि की दृष्टि भी सातवें घर पर पड़ रही है। तो इस कारणवश मैं ज़रूर ये बोलूँगा जी कि शादी अगर आप अपनी जीवन में करेंगी तो उसमें सुख मिलने के चांसेस कम है, आपको प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन और दुख की ज़्यादा संभावना है। अगर आप चाहें तो इसका उपाय करके आप करना चाहें तो करें, बट मेरे एडवाइस पे ना ही करें तो बेहतर है। हालांकि एक बेहतर समय आ रहा है, रिलेशनशिप का समय ज़रूर आ रहा है, शुक्र का जो जून के बाद अब 2024 के बाद एक रिलेशनशिप के चांसेस ज़रूर बनने के आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। लेकिन अगर उसको आप कैरी फॉरवर्ड करने आगे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगी तो उसमें हो सकता हो जो कि फ्यूचर में आपको डिफ़िकल्टी आए। इसको उपाय करके भी अगर आप शादी करने का कोई पंडित बोले तो आप उपाय करके देख लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से उपाय करने की भी ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, इंसान को शादी करना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है जी सभी को करना चाहिए। अगर आपको लगता है जी कि आपको शादी की, लेकिन अगर आपको लगता है जी कि आपको करना है तो आप कर सकती हैं, आपका समय अभी जून के बाद आएगा, लेकिन उसका सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि शनि पांचवें घर में बैठ के सातवें घर को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। शनि की दृष्टि भी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं
अकेलापन लाती है। और केतु तो खुद बैठा हुआ, अकेले बैठा हुआ, गुरु की कोई दृष्टि नहीं है सातवें घर पे, तो इस कारणवश मैं ये बोलूँगा जी कि यहाँ पे अकेलापन ज़रूर आपको महसूस होगा अपने रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स में। इसके बाद अगर हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप किसी और पंडित से भी पूछवा सकती हैं, एस्ट्रोलॉजर से, अगर उनके विचार आपके साथ मैं सहमत हो सकता है, ज़रूरी नहीं जी कि मैं ही हमेशा सही हूँ गवर्नमेंट या मैंने ही सही बोला है, तो आप अपने हिसाब से किसी और एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्ट करवा सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आपने सवाल पूछा, तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैं ये बोलूँगा जी कि आपका समय 28-29 के समय आपका जो मून आएगा, आपकी अभी जो महादशा चली है राहु की चल रही है, राहु की महादशा 30 तक चलेगी, उसके अंदर जब 28-29 में मून आएगा उस वक्त आपको कोई लिक्विड रिलेटेड, अगर आप कोई बिजनेस, अगर लिक्विड रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे जल विभाग मतलब वाटर डिपार्टमेंट या ऐसा डिपार्टमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट, वो आप अपॉर्चुनिटी ले सकती हैं और वो अपॉर्चुनिटी आप अभी भी ढूंढ सकती हैं। जैसे 27 जून के बाद जो आपका समय आएगा, वीनस की जो अंतरदशा लगेगी राहु के अंदर, इस वक्त भी आप अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकती हैं, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 100% नहीं बोलूँगा जी कि मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट ज़रूर मिल सकता, तो हो सकता हो जी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन या मेहनत ज़्यादा करनी पड़े उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बट मिलने के चांसेस अच्छे बनते हैं, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल ये थी मेरी प्रेडिक्शन आज इस बार 15 अप्रैल की, जिनकी जिनकी रीडिंग है उनकी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद या समझ में आई हो। माफ़ी मांगूंगा लाइट चली जाने के कारण वीडियो थोड़ी सी लास्ट के पार्ट में थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, जल्दी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।